आज हम बनाएंगे एकदम स्पंजी केक, बिना मेहनत के, बिल्कुल फटने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही आसान तरीके से, जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हमने बिना मेहनत के केक बनाया कैसे है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिक्सी जार ले लेंगे। ये मैंने बड़ा वाला मिक्सी जार लिया है, इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। मैंने एक कटोरी चीनी डाल दिया है मिक्सी जार में, साथ ही में मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल मैंने आधी कटोरी लिया है, और चम्मच से बोले तो 4 चम्मच है ये। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी को एक बार चला देंगे, देखिए स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध, और दूध को भी हम एक बार मिक्सी चला के पेस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से हम बारी बारी से मिक्सी चलाते जाएंगे और सामान ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से, और इस तरीके से पेस्ट बनाने से बहुत ही कम समय लगता है, फटना हमें नहीं पड़ता है, मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है इस तरह केक बनाने से। यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिया है मैदा 1 कटोरी, साथ ही में मैंने ले लिया है अंडा। अंडा को हम क्या करेंगे, फोड़ के डाल देते हैं, और आप अंडा खाते होंगे तो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी ये केक बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने अंडे को फोड़ के डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम दूध डाल देते हैं थोड़ा सा, और एक बार हम मिक्सी और चलाएंगे। साथ ही मैंने ले लिया है वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर, इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और केक का भी कलर बहुत बढ़िया से आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखिए एक बार और मिक्सी चला के पेस्ट बना लिया है बहुत बढ़िया से, स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, हम केक को पतीला के अंदर बेक करेंगे। इसके लिए मैंने इसके अंदर नमक डाल के इसे हम प्रीहीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसके अंदर केक को बेक करेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम डाल देंगे चेरी, चेरी से बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, मार्केट वाला लुक आ जाता है केक के अंदर, इसीलिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मैदा में मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, और बेकिंग पाउडर हम आखिरी में ही ऐड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर से ही बहुत बढ़िया स्पंज सा केक बना के तैयार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है, और देखिए बर्तन बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, एक ही बर्तन में मैंने सारे काम करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है केक टिन, और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, और यहाँ पर अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेते हैं, और यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ही ग्रीस करेंगे। सरसों के तेल बिल्कुल हम यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत ख़राब हो जाएगा केक नहीं तो। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। हम अब हम पेस्ट को डाल देते हैं, और इसका कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से है, जिस तरीके से रिबन बन रहा है बिल्कुल परफेक्ट है केक बनाने के लिए, और ये स्पंज सा केक बन के तैयार होगा। अब हम थोड़ा सा चेरी ऊपर से भी गार्निश कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे केक, देख सकते हैं। और ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, चलिए अब हम बेक कर लेते हैं, पतीले के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर पतीला बहुत बढ़िया से प्रीहीट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर टिन रख देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है केक टिन, और इसे हम 40 से 45 मिनट के लिए इसके अंदर हम छोड़ देंगे, और गैस को शुरू में 5 मिनट के लिए हाई कर देंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक हम अच्छे से बेक करेंगे। और आप ओवन में करते तो थोड़ा समय कम लगता है, लेकिन यहाँ पर 45 मिनट से 50 मिनट तक लग सकता है। यहाँ पर बेक होते हुए 40 से 45 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम टूथपिक से चेक करके आपको दिखा देते हैं, और देख सकते हैं बहुत ही क्लीन निकल के आया है टूथपिक, बिल्कुल ही ये बहुत बढ़िया से बेक हो चुका है केक। और मैंने एक बार भी चेक किया था 25 मिनट के बाद, एक बार बीच में भी चेक कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं अब हम गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ही कट करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा, बहुत गर्म है। और देख सकते हैं मैंने गैस को बंद करके पतीले को नीचे उतार लिया है, और कितना स्पंज सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही यमी और बहुत ही झटपट फ्रेंड्स, और बिल्कुल समय कम लगा है, मेहनत तो बिल्कुल नहीं लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत फेंटने में ही लगता है, वो हम काम मिक्सर में कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से ठंडा हो गया है केक हमारा। अब हम क्या करेंगे, आपको केक टिन के अंदर से निकाल के दिखा देते हैं केक कितना स्पंज बना है, और देखिए बिल्कुल ही आसानी से बहुत इजीली निकल आएगा केक टिन के अंदर से, बस हम इस तरीके से पलट के हाथों से थोड़ा सा टप कर देंगे ऊपर से, और देखिए बाहर आ गया ये बहुत ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल लगा नहीं है पेन के अंदर, बहुत चिकना सा है पेन। यहाँ पर देखिए कितना स्पंज बना है, देख सकते हैं बहुत ही यमी स्पंज बना है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, कट करके आपको दिखा देते हैं अंदर का टेक्सचर,
और ये बनाना बहुत आसान है, एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम मेहनत में ये केक बन के तैयार हुआ है। और देखिए कितना स्पंज बना है, एकदम रूई के जैसे है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरे तरीका कैसा लगा केक बनाने की, अगर ज़रा सा अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।